दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जेड प्लांट के वैरायटी शेयर करूंगी और इसको कैसे केयर करना है एंड इसका वाटरिंग, सनलाइट रिक्वायरमेंट कैसा है, सभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरे पास थ्री जेड प्लांट्स है, इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। मेरे पास फ़िलहाल तीन है एंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक वैरायटी है, इसके लीव्स ये शेप में है एंड दूसरा वाला ये है, इसके लीव्स थोड़ा अलग शेप में है। एंड ये एक वैरायटी है और ये दोनों एक ही जैसा दिखते हैं लीफ, बट इसके लीव्स थोड़े बड़े हैं और थोड़े छोटे हैं, बट इसका लीव शेप अलग है, आप देख सकते हो। ये एक सकलेंट वैरायटी है, फिर भी इसके रिक्वायरमेंट लाइक वाटर, सनलाइट बाकी के सकलेंट से इसके थोड़ा अलग है। ये प्लांट को सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसको एटलीस्ट आप मॉर्निंग की सनलाइट 4-5 आवर्स इसको देना है, इसको कंपलसरी आपको सनलाइट में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो इसको इंडोर रख सकते हो या ब्राइट लाइट में रख सकते हो, बट ये कम्प्लीटली इंडोर नहीं ग्रो होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि जेड प्लांट इंडोर रख सकते हैं क्या। हाँ, आप रख सकते हो, बट इसको मॉर्निंग 4-5 आवर सनलाइट में रखने के बाद आप इसको इंडोर में शिफ्ट कर दीजिए, बट इसको डेली सनलाइट ज़रूरी है। अगर आप इसको कम्प्लीटली इंडोर रखें तो इसके लीव्स झड़ने लगेंगे और प्लांट ख़राब हो सकता है। इसको इसका सॉइल मिक्सचर, इसको वेल ड्रेन्ड मिट्टी लगेगा। मैंने अभी ये दोनों गमले मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया है एंड ये वाला मैंने रिपोर्टिंग किया है। इसमें मैंने कोकोपीट 30%, गार्डन सॉइल 40% एंड 30% वर्मी कॉम्पोस्ट मिक्सर बना के इसमें मैंने रिपोर्टिंग किया है और रिपोर्टिंग करने के बाद थोड़ा सा प्लांट ग्रो हो गया है अच्छे से। एंड अगर आप इसको आफ्टरनून सनलाइट में रखने से इसके पत्तियाँ श्रिंक हो जाएंगे एंड इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इसको सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप देखकर इसको पानी दीजिए। जब भी इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाएंगी तभी आप इसको पानी दीजिए, बट इसको धूप में रखना ज़रूरी है वरना इसके पत्तियाँ झड़ जाएंगे। तो इसमें ओवर वाटरिंग के वजह से एंड इसको हमेशा इंडोर रखने के वजह से इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और झड़ने लगेंगे, क्योंकि ये सकलेंट वैरायटी है तो इसके लीव्स में ऑलरेडी वाटर रिटेन रहता है। अगर आप ज़्यादा पानी देने से लीव्स में ज़्यादा वाटर रिटेन होकर वो वेट बढ़ जाते हैं लीव्स के एंड पत्तियाँ झड़ने लगती है, तो आप इसको वाटरिंग आपके क्लाइमेट के हिसाब से और इसको कौन से लोकेशन पे रखा हुआ है उसके हिसाब से आप देखकर इसको वाटरिंग कीजिए। एंड ये बहुत हार्डी प्लांट होता है एंड इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप इसको 1 in 3 months या 1 in 6 months आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। एंड अभी हम बात करेंगे इसको रिपोर्टिंग करने का। जेड प्लांट को रिपोर्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, आप इसको ज़्यादा रिपोर्टिंग जल्दी से रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रूट्स इतने डीप नहीं रहते हैं तो इस छोटे गमले में भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है एंड इसके रूट्स ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, आप उसी टाइम पे इसको रिपोर्टिंग कीजिए। एंड बहुत सारे लोग जेड प्लांट से बोनसाई भी बनाते हैं, तो आप इसे बहुत सारे
प्लांट्स बना सकते हो। लाइक इसका प्रोपगेशन भी इजी है। इसको जब भी आप कटिंग करोगे या प्रूनिंग करोगे, इसको वो कटिंग को आप लगा दीजिए उसी गमले में, तो ये बुशी दिख देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस आज के लिए यही है फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंटिल एंड टेक केयर, बाय।